हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह रावत आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे खुशी पोल्ट्री व्लॉग्स में। तो दोस्तों पाइपलाइन साफ अब मैं करने जा रहा हूं। तो पाइपलाइन साफ करने से पहले क्या करना पड़ता है दोस्तों, सबसे पहले ये 200 लीटर की टंकी थी इसको मैंने साफ किया अंदर से, ठीक है। इसको कपड़े के माध्यम से साफ किया। अब इसके अंदर पानी भरेंगे अपन 100 लीटर। 100 लीटर पानी भरने के बाद में इसमें मिलाएंगे H2O2, ठीक है। सो दोस्तों H2O2 का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, मेरे को इंग्लिश कम आती है। ये देखिए ये ड्रम पूरा मैंने मंगाया है और इस ड्रम से जो है अपन काम में लेंगे अब, ठीक है। कितना मेडिसिन लेना, कितना पानी मिलाना और किस प्रकार इसको साफ करना, पूरा वीडियो हम कम्प्लीटली आपको बताएंगे दोस्तों। हर फार्मर शिकायत करता है कि मेरी निप्पल चौक हो रही है या मेरा जो है पानी नहीं आ रहा। बर्ड्स के कई प्रकार की समस्या बताते हैं कि मेरी लाइन जो है चौक हो रही है। उसको प्रॉपर तरीके से किस प्रकार साफ किया जाता है दोस्तों, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। कंटिन्यू आप वीडियो में प्लीज़ बने रहें। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, अपन को इसमें से इसको पानी से भरना है। तो वाल अपन ऑन कर लेते हैं क्योंकि ऊपर वाली टंकी अपनी भरी हुई है। तो ये अपन ने वाल ऑन किया और ये टंकी भरना स्टार्ट हो गई। देखिए तो ये पानी भर जाता है। फिर इसके बाद में ये क्या, इसको अच्छे से साफ जो है ना अपन H2O2 चलाने के बाद में गंदगी नजर आ रही है आपको, ये पूरी टंकी खुल के नीचे बाहर आएगी। फिर जो डिटर्जेंट से अपन अच्छे से इसको साफ करेंगे, ठीक है, उसका वीडियो भी हम डाल देंगे। अभी फिलहाल जो है दोस्तों इस टंकी को 100 लीटर पानी भर लेते हैं और उसके बाद में से जो है H2O2 ओपन जो है मेडिसिन निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसको भर लिया हमने, 100 लीटर से थोड़ा ज़्यादा आ गया क्योंकि हम थोड़े बातों में रह गए और ये ज़्यादा भर गया। कोई नहीं दोस्तों, और अब जो है इसको हम इसमें दवाई मिलाएंगे। तो किस प्रकार मिलाते हैं आप देखिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब मैं जो है मेडिसिन ले रहा हूँ, ये अपनी मेडिसिन का वो आता है 5 लीटर का, ठीक है, इसको पूरा भरना है। ध्यान रखना है दोस्तों, ये हाथ के लग जाता है ना तो पूरा हाथ में जलन होता है और दूसरा क्या होता है दोस्तों, पूरा वाइट वाइट हो जाता है ये। तो इसको तो बहुत सावधानी से रखना है काम, ये भरा हुआ है मेरे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इसको भर लिया मैंने और अब जो है इसको उसके अंदर मिलाना है। हाथ के टच नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब जो है अपन को क्या करना है, जैसे मेडिसिन इसमें मिला दी अपन ने, अब इसका वाल खोल के जो ये लाइन है, लाइन के अंदर ऑलरेडी जो पानी भरा है उस पानी को अपन को बाहर निकालना है। तो अब पता कैसे चलेगा कि मतलब जो है वहाँ H2O2 पूरी लाइन में आ गया, तो उसको मैं बताता हूँ। चलिए दोस्तों वहाँ से लाइन को खाली करने से पहले दोस्तों सबसे पहले क्या करना है अपन को, यहाँ जो ये ब्लैक ब्लैक वाल है इसको अपन को डायरेक्ट करना है। ये खोल दिया अपन ने, इसको खोलते ही फुल प्रेशर जाएगा। देखिए पानी प्रेशर मार दिया, इससे क्या होगा इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अपने रेगुलेटर जो है 2 लाइन में एक लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। और कनेक्शन किस प्रकार है देखिए, यहाँ से डिवाइड किया है, एक उधर जा रहा है और एक इसमें जा रहा है, और फिर यहाँ से कनेक्ट वो लाइन है और उसकी उस रेगुलेटर से लाइन कनेक्ट उधर है। यहाँ का मैटर तो आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट में लाइन कैसे साफ करनी है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए दोनों लाइन का वाल खोल के आए दोस्तों, तो इस लाइन को खोल करके हमने जो क्या किया है, यहाँ पे लास्ट में अपने वाल दे रखा है, तो इस वाल के अंदर अपन ने ये लगा दिया है। इसको थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, लूज कर देंगे, ठीक है, ताकि ये बूंद बूंद गिर रही है ना। अब यहीं अपन को पता चलेगा कि अपना जो है H2O2 आना चालू हो गया है, समझ गए दोस्तों, क्योंकि अगला जो पानी निकलेगा अभी वो देखो पानी यहाँ निकल रहा है। तो देखिए दोस्तों इस लाइन का अगला पानी निकल गया है, जो टपका पड़ रहा है नीचे, देखिए आप इस प्रकार झाग देने लग जाए तो फिर वाल को बंद कर देना चाहिए। और देखिए दोस्तों ओरिजिनल जब होता है ना हाथों को ऐसे, देखिए बहुत सावधानी रखी उसके बाद भी हाथ की कंडीशन ये कर दी है, ठीक है। तो आप दूसरी लाइन में लगाते हैं अपने यहाँ से खोल के, बहुत जलन कर रहा है यार। यहाँ
ये देखो नीचे गिरा ना कैसे हो गया, देखो इसको बोलते हैं ओरिजिनल चीज। अब लगाते हैं अपनी दूसरी वाली लाइन। और अब इसका कर देंगे अपन हाल चाल। अब इस एक लाइन को जैसे अपन ने साफ कर दिया दोस्तों, तो अब इसको कल मॉर्निंग में अपन खाली करेंगे। अभी फिलहाल की कंडीशन के अंदर जो है इसको छोड़ देते हैं इसी प्रकार, ताकि अंदर ही अंदर जो जितना भी इसके अंदर जो गंदगी है उसको बिल्कुल जो है क्लीन कर देगा ये। देखो इधर नीचे भी जो निकला है वहाँ जाग ही जाग गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दूसरी वाली लाइन में भी जो है निकाल दिया अपन ने, ये देखो इस प्रकार जाग निकलता है इसके, ठीक है ना। अब उसका वाल चालू करके आते हैं। फाइनली अब जो है हम कड़ी का छिड़काव करने जा रहे हैं। बुड्ढा जो है कम्प्लीटली हमने पूरे फार्म में डाल दिया है और निपल सिस्टम में इसके अंदर हमने H2O2 मिला दिया है। और अब जो है इसके अंदर हम ब्लीचिंग पाउडर और ये चूना दोनों मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद में नीचे छिड़काव करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। फाइनली हमने है जो है पूरे शेड में जो है ब्लीचिंग पाउडर और ये जो है चूना हमने डाल दिया है, देखिए पूरा लास्ट तक आप देख पा रहे होंगे। और शाम हो गई है दोस्तों करते करते, ठीक है ना। और अभी इसके अंदर हमने पर्दा बंद कर दिया है और फॉर्मलिन का स्प्रे हम करने जा रहे हैं दोस्तों। 10 लीटर हमने फॉर्मलिन लिया है, लीटर पानी है और 100 लीटर में 10 ml 10 लीटर जो हमने फॉर्मलिन डाला है और इसका स्प्रे करने जा रहे हैं। आंखों में जलन हो रही है दोस्तों, ज़्यादा हम यहाँ रुक नहीं सकते तो मुंह के कपड़ा बांध के हम इसमें स्प्रे कर देते हैं दोस्तों। देखिए एक बार हमने जो मिलाया है पानी वो भी आपको दिखा देंगे। देखिए दोस्तों ये हमने फॉर्मलिन मिला दिया है, ये जो है 100 लीटर का पानी का है और इसके अंदर जो है हमने 10 लीटर फॉर्मलिन डाला है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसमें फाइनली स्प्रे करने जा रहे हैं दोस्तों, चलिए